बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज बाजी के किचन में बन रहा है मीठा, और मीठे में मैं बनाऊंगी मतंजन। ये मैंने एक गिलास चावल जो 3 घंटे पहले सेला चावल है भुगो लिए, इनको मैं बॉयल करूंगी और पानी में बॉयल होने के लिए रखा है। और ये एक गिलास चीनी है, जितने चावल है उतनी ही चीनी। और ये देखें, ये काजू है, ये मेवा, ये बादाम जिनका मैंने गर्म पानी में डाल के छिलका उतार लिया, और ये नारियल कटा हुआ, और ये 2 इलायची है जिनको मैंने पीस लिया जो तड़के में शामिल करूंगी। और ये 3 फूड कलर है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये येलो। और ये मैं आज देसी घी में बनाऊंगी, तो जो जो चीज इसके साथ इसके अलावा ऐड करूंगी साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पानी को बॉयल आ चुका है और अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करती हूँ। ये मैंने आपको बताया आगे भी, अब जैसे ही उबलेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। चावल बॉयल हो चुके हैं, इनको कम से कम आपने ना 1 कनी जरूर रखनी है ताकि वो आगे जब चीनी में जाएं शीरे में तो फिर ये नरम ना पड़े, ठीक है? ये देखे, ये देखे, ये देसी घी डालने लगी मैं। ये मैंने घर में बनाया हुआ है, किसी दिन आपसे देसी घी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है, ये देखे, ये वाला जो टेबलस्पून है ना, ये वाला। अभी ये थोड़ा मेल्ट हो जाए ना, अब इसके अंदर पिसी हुई इलायची ये डालूंगी, हल्का सा इसको फ्राई करूंगी, और फिर इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट काटा हुआ ना वो डाल। ये हो चुकी है लाचियां, अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट, ये देखें, हल्का सा ये रोस्ट हो जाए, फिर इसके अंदर पानी डालूंगी, फिर चीनी। बस हल्का सा रोस्ट हो तो साथ ही पानी डाल। ये मैंने पानी लिया है, ये समझ लें 4 टेबलस्पून होगा। इसकी आंच भी जब पानी डालेंगे तो चीनी डाल के आंच हल्की कर देंगे ताकि चीनी पूरी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये देखिए, और अब मैं चीनी शामिल कर दूंगी। ये देखिए मैंने चीनी डाल दी है, और जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तो मैं आपको फिर इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। जब ये मेल्ट होगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जब चीनी इस तरह मेल्ट हो जाए, ये देखें, देखें बिल्कुल हल्का सा दाना रह गया, तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका डालूंगी। ये देखें, ये देखें, सिरका व्हाइट वाला डालूंगी। पानी इसके अंदर ज्यादा नहीं डालते, फिर चावल में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, क्योंकि जब सेला चावल को बॉयल करें ना तो इनमें हल्की सी नमी रहती है, दूसरे चावलों की निस्बत जरा रहती है इसके अंदर, तो इसलिए फिर इसके अंदर पानी डालेंगे अगर चाशनी के अंदर तो फिर चावल जो है ना वो जरा टूट जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे चावल बहुत अच्छे बने। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर लूंगी। ये देखिए बॉयल आ रहा है,
अभी मैंने चावल डाले, मैंने इसमें इतना पानी कोई नहीं डाला था, लेकिन ये देखें ज़रा किस तरह पानी निकल आया। ये सेला चावल जब भी बनाए ना, इनका ज़रूर इस तरह निकल आता है, इसलिए मैंने उस वक्त चाशनी में पानी इतना ज़्यादा नहीं डाला। आप इस बात का ध्यान रखें। और ये मैं सिलिकॉन का स्पून इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि चावल टूटे ना। मैंने थोड़ी सी आंच तेज की है ताकि इसका पानी ड्राई हो जल्दी, फिर मैं दम पे लगा दूंगा। और जब मैं दम पे लगाऊंगी और फूड कलर डालूंगी जब, तब आपको जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए अब मैं दम पे लगाने लगी हूँ, जो थोड़ा सा पानी रह गया वो दम के अंदर ही, इसको कम से कम मैं 20 मिनट दम लगाऊंगी। तो मैं अब फूड कलर डालने लगी हूँ आपके सामने, बस एक एक ड्रॉप डालूंगी। ये देखिए ये देखें, ये बस मैंने तीन हिस्सों में दूर दूर करके जरा डाल दी और अब इसको मैं दम लगा दूंगी। ये देखें, ये मैंने 12 मिनट जब गुजरे थे तो चूल्हा बंद कर दिया था, और लेकिन 20 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ। 8 मिनट चूल्हे के अलावा भी इसको बंद ही रहने देना है ताकि ये अच्छे से हो जाए। और अब मैं आपके सामने प्लेट में डालूंगी। ये देखें, ये देखिए जी हमारा मटंजन तैयार हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे ज़्यादा चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के